नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट में रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। वहां पे हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि सर कैसे रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं, मुझे नहीं लिखना आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। तो आज मैं आपको सिर्फ सिर्फ इतना बताऊंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, दूसरी चीज उसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो बस यही है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। और उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अन अकेडमी की तरफ से, जितने भी स्टूडेंट 2021 नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है उम्मीद बैच। ये एक बेसिकली क्रैश कोर्स होगा जो स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से। इसमें आप घर बैठकर पूरे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। आपको सभी चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो मिलेगा, एक चैप्टर का रिवीजन एक ही वीडियो में कराया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो डॉक्टर आनंद मानी सर, अमन सर, दीपक सर और विक्रांत सर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग डेट 3 जनवरी है और ये सभी टीचर्स को लगभग लगभग 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और ये बहुत सारे टॉप रैंक दे चुके थे। जितने भी स्टूडेंट नीट को टारगेट करें 2021 को, वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपीज भी आपको पे नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा, जो स्क्रीन पर आपको कोड यहाँ पर दिख रहा है उसको आप जैसे एंटर करोगे वो सारे क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्योंकि आप जानते होंगे, आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो 5 नंबर के क्या होता है, जब पूछा जाता है 5 ही नंबर का पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे, या 2 या 3 नंबर का आपसे नेमिंग रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो वहां पर आप लोगों को रिएक्शन अगर याद ना हो तो किस प्रकार से आप लोग रिएक्शन को लिख सकते हैं, यही हमें आज आपको सिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए बेसिकली सर्वप्रथम 2 चीजें आवश्यक होती हैं। पहली चीज क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पता होना चाहिए? रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि उसका केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरी चीज, फिर इसके बाद हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। किसको? समीकरण को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, संतुलित समीकरण बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। ठीक, तो आज हम लोग इस पूरे सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कौन कौन से रासायनिक सूत्र हैं, जो आपके ऐसे इंपॉर्टेंट यौगिक का मैं रासायनिक सूत्र आपको लिख करके बताऊंगा कि जो आपके इस सिलेबस में है और यूजुअली आपसे प्राय पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी रासायनिक क्रिया को लिखने के लिए सबसे पहला चीज होना चाहिए, सबसे पहली चीज आवश्यक होती है, किसी भी यौगिक का आपको रासायनिक सूत्र आना चाहिए, केमिकल फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, रासायनिक यौगिक का नाम लिखते हैं और एक साइड में जो है आप लोग यौगिक का नाम और दूसरे साइड में हम लोग लिख लेते हैं रासायनिक सूत्र। क्या लिख लेते हैं? रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्तों, रासायनिक सूत्र ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको फिर से एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, तो ये ट्रिक अपना करके आसानी के साथ आप लोग जो है 10 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, HCl। क्या होता है? HCl। दूसरा हम लोग ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। फिर ले लेते हैं नाइट्रस अम्ल। फिर ले लेते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या लेते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं, रासायनिक सूत्र। यहाँ लिख रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है
H2SO4, क्या होता है रासायनिक सूत्र H2SO4, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है HNO3, क्या होता है HNO3, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल, यहां हो जाता है HNO2। देखिए अगर O3 हो जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, अगर O2 हो जाएगा तो नाइट्रस अम्ल हो जाएगा, बात समझिएगा। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में, सॉरी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो है O2 हो जाएगा तो नाइट्रस अम्ल और O3 हो जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल को N3H के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लगे हाथ आप लोग अमोनिया का भी लिख लीजिए, किसका अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है NH3, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ N3H है, यहाँ NH3 है। कुछ बच्चे जब तेजी के साथ लिखते हैं, झटके में लिखते हैं, तो भूल जाते हैं कि N3H था या NH3 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये दोनों और ये दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला मिलता जुलता है और इसका जो है नाम और फार्मूला जो है सिर्फ एक ऑक्सीजन का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ एक नंबर निकल लीजिएगा, 2 3 4 5 6, ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और नेक्स्ट जो आपके यौगिक हैं उनका देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग एथिल अल्कोहल, लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, या इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं एथेनॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका होता है बेसिकली C2H5OH। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, क्या है एसिटिक, एसिटिक अम्ल। अगला लिख लीजिए लगे यहाँ था एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अगला आप लोग लिख लीजिएगा इसके एसिटिल क्लोराइड के बाद नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा एसीटोन, एसीटोन, फिर मेथेन, फिर इसके बाद एथेन, मेथेन के बाद एथेन। आइए अब इसका हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका होता है CH3COOH होता है, ठीक है, क्या होता है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। अभी आपसे पूछा जाए एसिटिल क्लोराइड, इसका होता है CH3COCl, क्या हो गया एसिटिल क्लोराइड हो गया। एसीटोन पूछा जा रहा है तो इसका होता है CH3COCH3, ये आपका क्या हो गया एसीटोन हो गया। नेक्स्ट आपका अगर मेथेन पूछा जाए तो CH4 होता है किसका मेथेन का, और एथेन का पूछा जाए तो C2H6, इसको क्या बोलते हैं एथेन, ठीक। अब आपसे नेक्स्ट अगर पूछा जाए, ये आपके जो है सातवां नंबर, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां, ये आपके 12 जो है रासायनिक यौगिक है और इनका जो है रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, इसी प्रकार जैसे आपका एथिल अल्कोहल होता है उसी प्रकार से मेथेनॉल भी होता है, क्या होता है मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक, या एथिल अल्कोहल इसको बोला जाता है, जैसे आपको एथेनॉल बोलते हैं इसी प्रकार से मेथेनॉल होता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है, ठीक है। एथेनॉल में क्या होता है C2H5OH, मतलब अगर आपका जो है यहाँ से मेथेन से एक हाइड्रोजन हट करके एक OH हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए उसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। तो आपका जो है एथेन से एक क्या हट जाए हाइड्रोजन, हट जाए हाइड्रोजन, हटने के बाद उस पर OH समूह जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं या एथिल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी जो हम लोग बचता है उसका नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ठीक। इसके बाद अलावा जो आपका है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। फिर आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई कार्बोनेट ठीक, कार्बोनेट। फिर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ठीक है। अब लिख लीजिए डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ठीक है। इन सभी का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आइए हम लोग ये लिख लेते हैं ठीक है। देखिए आपका पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, आप सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3 ठीक। अब आपका है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट का NaHCO3 ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। इसे हम लोग साधारण नमक या टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या है? टेबल साल्ट। टेबल साल्ट या इसको हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। जो खाने वाला नमक होता है वही नमक है ये ठीक है। ये क्या है? साधारण नमक या जो है खाने वाला नमक, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल साल्ट ठीक है, NaCl। और अगला आपका डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का मतलब होता है C2H5O C2H5। ये आपसे कह रहा है डाई एथिल, मतलब दो बार एथिल, एक बार ये एथिल एक बार ये एथिल। और ईथर का फार्मूला आपको क्या होता है? जनरल ArOr- यही होता है, आप लोगों को पता है ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या होता है? इस प्रकार से आप जो है बेंजीन रिंग बना दीजिए ठीक, और यहाँ पर N2Cl जोड़ दीजिए। इसे बोलते हैं हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है C6H5N2Cl ठीक। ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया, केमिकल फार्मूला हो गया ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ये डाइएथिल ईथर का, ये सोडियम क्लोराइड का, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है। तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हाइड्रो आयोडिक अम्ल। हाइड्रो हाइड्रो आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल इसको हम लोग बेसिकली HI लिखते हैं ठीक है। किससे? इसका रासायनिक सूत्र होता है HI। नेक्स्ट आपका पूछ लिया जाए फिनाल। फिनाल ठीक है, तो फिनाल का आपका होता है C6H5OH। इसको बेसिकली समझना सूत्र इसका इस टाइप से होता है, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। यहाँ से एक OH जुड़ जाए, इसको बोलते हैं फिनाल ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल ठीक है। तो सैलिसिलिक अम्ल का क्या होता है? बेसिकली आप जो है इस प्रकार से एक बेंजीन रिंग बनाएंगे ठीक है। बेंजीन रिंग, यहाँ से OH और यहाँ से COOH जुड़ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल ठीक। नेक्स्ट आपका जो है सैलिसिलिक अम्ल के बाद अगर आप पूछें तो आपका अगर एथिल आयोडाइड पूछ लिया जाए। एथिल आयोडाइड
आयोडाइड, तो एथिल आयोडाइड का होता है C2H5I। ठीक है, नेक्स्ट आपसे अगर पूछ लिया जाए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ठीक है, इसका होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3। अगर शुष्क बर्फ बोल दिया जाए, शुष्क बर्फ ठीक है, इसको बोलेंगे 24 नंबर, ये आपका शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस पूछा जाए, इसका मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड की बात की जा रही है, और इसको क्या बोला जाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है, ऑक्साइड ठीक। तो आप इतने चीजों का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए बढ़िया, जो बाकी शेष बच्चे हैं उनका भी हम लोग नाम देख लेते हैं। बेंजीन ठीक है, बेंजीन का क्या होता है फार्मूला, C6H6 ठीक है। अब बेंजीन के बाद आपका आता है टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक देख लेते हैं, टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक का क्या होता है दोस्तों, Ag2O होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, क्या देख लेते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं, इसको लिखा जाता है RMgX से ठीक है। अब इसके अलावा बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड देख लेते हैं, बेंजीन क्लोराइड को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होता है C6H5Cl, या इसको हम लोग बेंजीन रिंग बनाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंजीन क्लोराइड ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाइड्रो कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन कार्बन डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड का क्या होता है, CH2, डाई सल्फाइड मतलब दो सल्फर ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बन डाई सल्फाइड ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल, सल्फोनिल क्लोराइड, क्लोराइड इसका दोस्तों होता है C6H5SO2Cl ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं SO2Cl ठीक है। ये जो आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ठीक है। अब एक और आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है, एक नाम और देख लेते हैं बेंजेमाइड का, किसका, बेंजे बेंजेमाइड, इसका होता है C6H5CONH2 ठीक है। ये होता है C6H5CONH2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही, एक बेंजीन रिंग बनाते हैं ठीक है। इस प्रकार से एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये आपका NH2 ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बेंजेमाइड का ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका है 25 नंबर, 26, 27, 28, 29, 30 और ये 31 ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है एनिलीन, क्या है एनिलीन, एनिलीन को हम लोग लिखते हैं C6H5NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, या इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से भी करते हैं कि आपका बेंजीन रिंग आपका एक हो गया, और इस बेंजीन रिंग में एक NH2 समूह जोड़ दिया जाता है, तो इसको बोल जाता है एनिलीन ठीक। अब नेक्स्ट आपका है कार्बन, कार्बन टेट्रा टेट्रा क्लोराइड ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टेट्रा क्लोराइड मतलब चार कार्बन, और आपका पहले कार्बन का ही रहा है, तो सॉरी टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब चार ठीक है, टेट्रा मतलब चार, क्लोराइड मतलब क्लोरीन,
और कार्बन मतलब कार्बन तो CCl4, ये आपका हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार से आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है PCl5। अब नेक्स्ट है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राई का मतलब 3, पेंटा का मतलब 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ट्राइक्लोराइड के बारे में, यानी कि फास्फोरस और ट्राइक्लोराइड मतलब 3 क्लोरीन, तो PCl3। नेक्स्ट आपका फास्फोरस फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ऑक्सी ट्राइक्लोराइड ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो लिख दीजिए PO Cl3, ठीक। तो ये आपका जो हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका बचता है मेथिल आइसोसाइनाइड, क्या है मेथिल आइसोसाइनाइड, तो मेथिल आइसो आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, देखिए मेथिल आइसोसाइनाइड का क्या होता है CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ठीक। अब देखिए किसी बच्चे ने पिछले वीडियो सेशन में कमेंट करके बोला था कि सर N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा। भैया ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये ऊपर वाला क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा सीधे सीधे कार्बन के साथ कर रहा है। और आपको पता है इसके वाहकत्व कोष में 2.5 इलेक्ट्रॉन और इसके 2.4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, इसको जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1, 2 और 1 यहाँ से आपका जुड़ा ही है, तो 3 यहाँ से 3 में पा गया। अब इसको कितना मिला, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है इस तरीके से शेयरिंग कर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। जब देखिए एनसी अगर रहे एनसी अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। और सीएन अगर रहे तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं साइनाइड, और इसको बोलते हैं क्या, आइसो आइसोसाइनाइड, ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। ये आपका जो है 32, 33, ये आपका 34, 35, 36, ये 37। एक और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, एक और कौन सा आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग एक लिख लीजिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिख लेंगे, पोटेशियम 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 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसका होता है KOH, ठीक है। ये आपका हो गया 38 नंबर। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मैंने आपको वो सारे यौगिक लिखे हैं, उसके रासायनिक सूत्र लिखे हैं जो आपके सिलेबस में है, मैक्सिमम बार पूछे गए हैं, रिएक्शन में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वही बता रखे हैं, इसके अलावा भी हैं, तो आप लोग बुक को पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बाकी मैंने पिछले वीडियो सेशन में अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया था, तो वहाँ से अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है और आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट ये सारी चीज़ें नहीं कहनी है, ठीक है। तो फालतू का मैसेज मत करिएगा, जब आपको पढ़ने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको जो आपकी सहायता करूंगा। दूसरी चीज, किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था सर प्लेलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन जो होता है प्लेलिस्ट का जो है लिंक जो होता है उसको दिया जाता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर के उस वहां पर वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज, अभी तक मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन सेट सॉल्व कराया है और इधर लगभग 17 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे,
प्रयोगशाला विधि और जो है नेमिंग रिएक्शन, इतनी चीजें मैंने आपकी करा दी हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 2019 के जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आया हुआ था, सातों सेट का हम लोग सॉल्व करते हैं और वहां से एक आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन से हम लोग ये सारी चीजें चालू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वैसे भी शुभम क्लासेस 8 लाख का परिवार हो चुका है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपका 9 वर्ष आने वाला है, तो 9 वर्ष की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 9 वर्ष में आप प्रण लेंगे कि आप जो है घर पे बैठ करके जितना अधिक से अधिक अपना टाइम पढ़ने पे दे सकेंगे, पढ़ाई पे दे सकेंगे, उतना देंगे और एक अच्छे मार्क के साथ, सम्मानजनक स्कोर के साथ आप लोग बोर्ड परीक्षा को पास करेंगे। यही मेरी कामना है और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूँ।